हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट आईक्यू। जैसे कि आप जानते हैं, यूपीएससी ईएससी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस बार जो वैकेंसी है वो है 231। एंड गाइस, हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हमारे यूपीएससी ईएससी के बारे में। ईएससी है आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, एंड स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कशन करेंगे अबाउट एलिजिबिलिटी कंडीशंस, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, हाउ टू अप्लाई पार्ट वन रजिस्ट्रेशन, पार्ट टू रजिस्ट्रेशन, एग्री टू डिक्लेरेशन एंड सबमिट, राइट। चलिए पहले बात करते हैं अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पहली बात है आपकी, इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस पार्टिसिपेट कर सकती है। तो आपकी पहली ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग, सेकंड है आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थर्ड है आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड फोर्थ है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। नाउ अबाउट फोटो आईडी कार्ड, आपके पास फोटो आईडी कार्ड में आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर वोटर कार्ड हो, या फिर आपके पास पासपोर्ट हो, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज नेशनैलिटी। आप इंडियन नेशनैलिटी से हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप लोग नोटिफिकेशन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं कि अबाउट उसने बता रखा है, जो भी नेपाल के हैं या पाकिस्तान के हैं या किसी और के हैं और उनके पास अगर इंडियन गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड अगर उनके पास डोमिसाइल है इंडिया का, तो वो भी भर सकते हैं। तो आप नेशनैलिटी में अगर आप इंडियन हो तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। यदि आप बाहर से हो, भूटान से हो, नेपाल से हो, तो आप एक बार जरूर से इस नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हमारा एज लिमिट के ऊपर। तो मिनिमम एज रखी गई है 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज रखी गई है आपकी 30 ईयर्स की। सो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो आपकी यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है बीटेक। यदि आप बीटेक फाइनल ईयर में, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और यदि आप उस एज लिमिट को भी जस्टिफाई कर रहे हैं तो। और जो क्वालिफाइड हैं बीटेक, जिनके पास डिग्री है, वो तो फॉर्म भर ही सकते हैं। सो बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो इसके अंदर आपकी फी रखी गई है 200 रुपये, और यदि आप फीमेल हैं, एससी एसटी हैं, पीडब्ल्यूबीडी हैं, तो आप लोग को यहाँ पर एग्जम्प्ट किया गया है फी से। बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रखी गई है आपकी 27 अप्रैल टिल 6 PM, ठीक है। आपको कहाँ जाके अप्लाई करना है, आपको सीधा अपने एक्सप्लोरर पे जाना है, वहाँ पे लिखना है www.upscionline.nic.in और इसमें जाके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आप उनको पहले से अपने पास रखें ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है आपको फोटोग्राफ, आपकी खुद की स्कैन फोटोग्राफ, एंड जहां तक आप कोशिश करें कि आपके पास एक लाइट बैकग्राउंड हो। उसकी फॉर्मेट रखी गई है आपकी जेपीजे फॉर्मेट, साइज है आपका 20 से 300 KB के पास। तो यहाँ पे आपको दे रखा है मिनिमम पिक्सल एंड मैक्सिमम पिक्सल। मिनिमम पिक्सल है आपके 350 पिक्सल × 350 पिक्सल एंड मैक्सिमम पिक्सल है आपके 1000 पिक्सल × 1000 पिक्सल। सेकेंड आपको यह चाहिए स्कैन सिग्नेचर, और आपका उसका फॉर्मेट है जेपीजे। साइज जो है वो आपका सेम 20 KB से 300 KB रखा गया है। मिनिमम यहाँ पे भी 350 पिक्सल आपको चाहिए, एंड मैक्सिमम आपका क्या होना चाहिए, 1000 पिक्सल × 1000 पिक्सल। नाउ थर्ड आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट। वो आपको आपका जो फॉर्मेट है वो आपका रखा गया है PDF, और उसकी जो साइज रखी गई है वो रखी गई है 20 KB से 300 KB, ठीक है। यदि आप DL यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप अपना आधार यूज़ कर रहे हैं, आप अपना पासपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, आप सीधे से फोटो क्लिक करें, उसको बाद उसे PDF में कन्वर्ट करके आप उसको साइज में रख के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बात करते हैं हमारे पार्ट वन रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो पहले सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है। देखिए, जब आप इस नाम भरें अपना, अपने फादर का, अपने मदर का, तो आपने पास 10th की मार्कशीट रख के भरें, और आपको यहाँ पे मिस्टर, मास्टर, मिसेज यहाँ पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने सामने 10th की मार्कशीट रखें, उसके हिसाब से आप नाम भरें ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आप सिंपल अपना नाम भरें, आपका जो भी जेंडर है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, आप वो भर सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम विदाउट यूजिंग प्रीफिक्स, दैट इज मिस्टर एंड ऑल, मदर्स नेम आपको यहाँ पे मिसेज नहीं लगाना, सीधा आपको सीधा नाम लिखना है, नेशनलिटी जो आपकी है इंडियन, और मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड वो आपके ऊपर है, और PWBD जो आपको बताना है येस और नो, आपको कम्युनिटी बतानी है अपनी, EWS, जनरल, OBC, SC, ST। देन हम आगे बढ़ेंगे माइनॉरिटी की तरफ। तो आपका माइनॉरिटी यहाँ पे ऑप्शन है येस और नो का, ठीक है। फी में इसमें बताया गया है, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 200 रुपये फी रखी गई है। यदि आप फीमेल हैं और SC ST हैं, और अगर आप PWBD में हैं, तो आपको फी नहीं देनी यहाँ पर। नाउ द 12th पॉइंट इज एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ से पूछा गया है कि या तो आप पास्ट हो चुके हैं बीटेक, या तो आप फाइनल ईयर अपेयरिंग में हैं, तो ही आप यहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका एड्रेस यहाँ मांगा गया है,
आप अपना वही मोबाइल नंबर देना जो आपका चालू हो, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है, आपको बिल्कुल ध्यान से रखना, क्योंकि आपके पास वहीं पे आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और वहीं पे आपका जो लास्ट में आएगा स्टेटस वो भी आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आपको अपना ईमेल आईडी देना है, उसी ईमेल आईडी को दोबारा कंफर्म कराना है और आपको अपना एक ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी भी देना है। तब आपको वहां जाके फिर प्रेस करना है अपने कंटिन्यू बटन को। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप अपना एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हैं, यस और नो। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यस या नो करके सिलेक्ट करके आपको फिर से प्रेस कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना कौन सा फोटो आइडेंटिटी कार्ड यूज करने वाले हैं। आपके पास ऑप्शंस होगा आधार का, ड्राइविंग लाइसेंस का, पैन कार्ड का, पासपोर्ट का, वोटर आईडी का। आप कोई भी सिलेक्ट करके अपना फोटो आईडी कार्ड नंबर वहां पे फिल करेंगे, फिर वहां पे आप अपना कंफर्म कराएंगे। देन आपको फिर ब्रांच भरनी होगी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में से आप किस ब्रांच से फॉर्म फिल करना चाहते हैं। देन आपसे पूछा जाएगा कि आप सेंटर बताइए इस मेन एग्जाम का, स्टेज टू का, आप कहाँ पे उसका सेंटर अलॉट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, सीधा प्रेस करेंगे कंटिन्यू का और फिर आपसे पूछेगा वेरीफाई योर एप्लीकेशन डिटेल्स। तो आप जरूर से ध्यान से उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। यदि आपको कोई मिस्टेक मिलती है को भरने में, तो आप वहां पर एक अपडेट बटन है, आप वहां पर जाके क्लिक कर सकते हैं उस अपडेट बटन को और वहां जाके अपनी गलती को सुधार सकते हैं। बट इस स्टेप को बहुत ध्यान से भरेगा बिकॉज उसके बाद आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इस वाले स्टेप को आप यहाँ पे स्टार मार्क कर लो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको ढंग से वेरीफाई करना है बिकॉज अब जो यहाँ पे आपने अगर सबमिट कर दिया तो उसके बाद फिर आप कुछ भी एडिट वहाँ पे नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर यदि आप उन सब चीज़ों से सहमत हो, आपने बिल्कुल सही भरा है, तो सीधा आपने क्या करना है, सीधा आई एग्री पे क्लिक करना है और आपका पार्ट वन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास मोबाइल पे और आपके ईमेल पे आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, आप वहां पे देख सकते हैं, वहां पे लिखा हुआ होगा सक्सेसफुल पार्ट वन रजिस्ट्रेशन। आपका केवल पार्ट वन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है, तो अब आपको क्या करना है, पार्ट टू पे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आपका पार्ट टू रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पेमेंट करनी है। आपके पेमेंट के मोड हैं, ऑनलाइन है, थ्रू बैंक डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, किसी भी आपके पास बैंक का कोई नेट बैंकिंग हो, या आप कैश भी जमा करा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ चालान इन एसबीआई बैंक। तो सबसे पहले आपको अपना पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपके पास सेकंड जो पॉइंट है वो आएगा आपका फोटोग्राफ, साइन और फोटो आईडी कार्ड जो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में था, जो आपने फॉर्म भरने से पहले जब आपने सेलेक्ट कर रखा था, आपने जब उसको पूरा सेट कर रखा था, उसी को हिसाब से यहाँ पे आप डाल के अपलोड इमेज में जाकर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी तीनों चीजें वहां पर अपलोड हो जाएंगी। देन उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना सेंटर सेलेक्ट करो आपका प्री एग्जाम का। उसके बाद फिर आपको एग्री करना है अपने डिक्लेरेशन पे। फिर आपसे बाद में फोटो आईडी कार्ड नंबर दोबारा मांगा जाएगा जो आपने इस पीडीएफ में लगाया आईडी कार्ड, आपको वो यहाँ पर इसको यहाँ पे रखना है। ये दोबारा से भी ये वेरिफिकेशन के लिए है। ठीक है, तो आपने जो यहाँ पे आईडी कार्ड यूज किया है वही आपको यहाँ पे उसका नंबर दोबारा से फिल करना है। फिर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर डालना है और उसके बाद आप क्या करना है, आई हैव री डिक्लेरेशन एंड एग्री फाइनल सबमिट। जैसे आप बटन को क्लिक करेंगे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, आपके मोबाइल पे एसएमएस आएगा कि अब आपका फॉर्म फिल हो चुका है। आप उस फॉर्म का प्रिंट आउट रख के अपने पास रखिएगा और आपको बताया गया कि 3 हफ्ते पहले या 15 दिन पहले आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं पहले बता दूं, यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप 27 अप्रैल शाम 6 बजे से पहले पहले इस फॉर्म को जरूर भरें। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छी जॉब है। सो हम एक और वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम इसमें बात करेंगे अबाउट ESE का सिलेबस एंड ESE का एग्जाम पैटर्न, आपका पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, कैसे उसका नेगेटिव मार्किंग है, हम सब के बारे में बात करेंगे। पर स्टिल आप सबसे पहले इस फॉर्म को फिल कर लीजिए, देन हम इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बहुत आराम से बात करें, डिटेल में बात करेंगे। तो यदि आपका कोई फ्रेंड मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीविजन ब्रांच से हो, तो आप उसको इस वीडियो को जरूर से फॉरवर्ड करें ताकि उनकी भी हेल्प हो और हमारी भी हेल्प हो। सो टिल देन साइनिंग ऑफ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।